उमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर तुसी गिर गई काम ही कर गई, पर तुसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई बजाइए 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 प्लीज, आप लोग तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद नवीद के लिए, बहुत सारी तालियां। वेरी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? ऑल गुड। ये कौन सा गाना है, तेज करना सर इसको। यो ये बात, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, मैं ओके जी।
क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी लाइव टेलीकास्ट है, लाइव ब्रॉडकास्ट है, अब से लेकर एक बजे तक हम आपके साथ लाइव होंगे। बहुत बड़े बड़े गेस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को, अहले वतन को बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। और एक खास स्पेशल मैसेज है जो बिल्कुल एंड के अंदर हमें आपको देना है, तो वो वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट। लेकिन राइट नाउ आप सब लोग जरा तालियां बजा के मुझे बताएं कैसे हैं आप लोग। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब ये गाना चलता रहेगा और मैं लोगों को बुलाता रहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी बहुत सारी तालियां में, हियर वी गो, कैन वी स्टार्ट दिस? स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन अपनी? कैन वी डू दिस? जरा लगाइएगा गाने को प्लीज, पीछे से लगाइएगा। एंड हियर वी गो, जरा लगा दीजिए, तेज कर दीजिए गाने को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर Saud and Javeria. Saud and Javeria. आ जाइए, जल्दी आ जाइए। बहुत सारी तालियां साउथ के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां। आई थिंक जवेरिया भी तैयार हो रही हैं। अच्छा, अब माइक में जवेरिया रेडी हो रही है, क्योंकि आपको पता है नमाज पढ़ के हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां। मिस्टर अय्यूब खोसा, बहुत सारी तालियां जनाब अय्यूब खोसा साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत सारी तालियां, ताली तो बजाइए, लगा दो, इट्स ओके। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। बहुत सारी तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन सुंदर के लिए। अरे आ जाइए, कहां पर है लोग? रियली कोई नहीं। वेल, एक बात तो जरूर है, खवातीन के तैयार होने में थोड़ा सा टाइम होता है। बहुत सारी तालियां सलमा और उरूज के लिए। आ जाइए जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां जॉन रैम्बो। अफजल भाई किधर हैं आप? अफजल भाई को बुला लीजिए, मिस्टर अफजल खान, जॉन रैम्बो सर, आ जाइए सर। नहीं है, अरे थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सब कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग तैयार होंगे। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए खूब सारी। ऑलराइट सर, कोई बात नहीं, होता ऐसे होता है, ऐसे होता है। ईद मुबारक टू यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह से पूरे महीने आपने लोगों को भी एंटरटेन किया और हम सबको एंटरटेन किया, बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू सर। इसलिए भी कि पूरा महीना माशाल्लाह रमजान का आपने जबरदस्त शोज किए, और आज ईद के दिन भी माशाल्लाह उसी एनर्जी के साथ है। नहीं, ईद के दिन तो ज़्यादा। और खास तौर पे जो अभी तक मेकअप से निकल नहीं रहे हैं, मैं रैम्बो की बात करूंगा कि बस कर दो यार, ईद का दिन है, सुबह मेकअप करके ही निकले हो के नहीं। अच्छा जी, मैं इन तमाम चीजों से बेनियाज हूँ। हाँ, और खवातीन को देख ले, खास तौर पे अभी भी लगी हुई है यार, बस है यार, क्या हो गया है।
अच्छा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, खुदा का वास्ता दे के बुला लीजिए, क्या जल्दी आ जाए अल्लाह का भाई। आप खवातीन की बात करें ना, मैं नहीं कह सकता, मेरी बीवी भी उधर। सलमा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू। अच्छा आज हमारे पास ये मिठाइयाँ मिठाइयाँ क्यों नहीं यार, मिठाई मिठाई सब ला के रखे ना, हमने आपको बहरहाल शीरखुरमा खिलाना है, जरूर खिलाना है आज। जी जी है, अरे एक माइक भी दे दो ना, क्या हो गया, अरे सभी लिटरली आज बिल्कुल कमाल हुआ है। आज ऐसा शो आपने, तुम्हारे पास माइक वाइक भी पूरे नहीं है क्या? उमेर के लिए जरा तालियां बजाइएगा, बहुत सारी तालियां उमेर के लिए, तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। तूने अपनी, अच्छा एक बात है, उमेर ने भी कसम है रिवायत नहीं तोड़ी यार, जितना मैं सब ये शुरू में था उतना ही मैं सब आज भी है, तो बहुत तेरी तालियां यार तुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा हर प्रोग्राम उमेर के नाम से शुरू हुआ है, तो उमेर के नाम पे ये भी शुरू हुआ। नहीं नहीं सीरियसली, मतलब आप चेक करें भाई को, भाई ने रिवायत ही नहीं तोड़ी, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमजान इसने मैं तरसाया माइक के लिए, और आज भी ये रिवायत नहीं तोड़ रहा है। कोई नहीं, अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल ठीक हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। हमने पिछले साल भी बच्चे को यही कहा था, बच्चा हमारा ठीक ही नहीं होके देता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा आज क्या प्लान है आपके, इसके बाद? अच्छा बाय द वे ये लाइव शो है, बिल्कुल लाइव है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिए, एंड ऑफ कोर्स अपने फेवरेट मेहमानों से जरूर बात कीजिए। एंड आपके क्या प्लान है? प्लान्स ये हैं कि आप लोगों के साथ माइक के अंदर बोलना है, सारा रमजान आपके साथ गुजारा है, तो ईद भी आप लोगों के साथ मना रहे हैं, और जैसे ये कि आज मेरी टोटकों की छुट्टी है। आज आपके टोटके नहीं है? हाँ तो बस ना, अब तो आज मेरी भी तो ईद है, आज टोटकों की छुट्टी। हाँ आज सही बात है, आज आपकी भी, क्योंकि अब तो हम तैयार हो चुके हैं। अच्छा आप नॉर्मली क्या करते हैं ईद के दिन, सुबह सुबह क्या होता है? कोई खास सुबह सुबह कुछ भी नहीं, ईद के दिन नॉर्मली जैसे उठा जाता है और उठ के फजर की नमाज, फिर कराची में माशाल्लाह एक अच्छी बात ये है कि सवेरे नमाज हो जाती है, गांव में जरा नमाज देर से होती है क्योंकि लोग आसपास से आ रहे होते हैं, एक जगह जमा होते हैं तो पैदल आ रहे होते हैं, तो उनके थोड़ा सा एक मार्जिन होता है, वहाँ भी तकरीबन 9 बजे नमाज हो जाती है। तो आई एम हैप्पी कि आज सुबह 7 बजे नमाज, उसके बाद फिर आपके शो के लिए आना था, और सवेरे सवेरे आज मैंने जो है ना वो कबाब भी खाया, जो कि बहुत कम ऐसे होता है। एक काम करते हैं, और यहाँ पे आके जो आपका टेबल खाली है मुझे अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अभी भर जाएगा सारा टेबल, भर जाएगा। ये सिवाय मेरे सारे लोग देर से आए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। नीलम मुनीर इज गोइंग टू बी देयर, जवेरिया साउद इज गोइंग टू बी देयर, साहिबा इज गोइंग टू बी देयर, बरकत नज़मी इज गोइंग टू बी देयर, सुंदर इज गोइंग टू बी देयर, ये सब लोग पीछे हैं, मेकअप के अंदर है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, शुक्र खुदा का। आ जाए प्लीज आ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां अफजल भाई के लिए। आप लोगों की तालियां नहीं आ रही हैं? बहुत सारी तालियां सुंदर के लिए।
लेट्स सी, आ जाइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए। तबीयत सही है ना आपकी? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इतना लेट क्यों हो गए? वायरिंग करवा रहा था। कौन सी वायरिंग करवा रहे थे? ये जो माइक लगता है इधर से तार यूं घुमा के इधर से इधर लगाते हैं वो करवा रहा था। अब हर जगह वायरिंग प्रॉपर हो गई? हाँ जी हो गई। अब और तो कुछ नहीं होने वाला? नहीं, नहीं कुछ नहीं। अच्छा एक बात पूछनी है जी प्लीज, ये गाना किसके लिए लगवाया आपने? क्या मतलब? लैला में लैला। मैंने साउथ के लिए लगवाया। अभी बोलो। अरे तो क्या मतलब है तो लेला? मतलब क्या करेला होता है? लेला ही हो सकता है। और क्या? और क्या कह रहा हूँ? बात सुने, बात सुने। पहली दफा ऐसे उन्होंने दिल की बात कही है। करेला सही कहा है। नहीं लेकिन अच्छा भाई करेला नहीं। आपको गाने पे इतराज है या इनके लिए गाने पे इतराज है? इनके लिए गाने पे इतराज है। सॉरी सॉरी मैंने करेला कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? हम अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। चलो इस बहाने आपने सलाम तो कबूल किया। मैं आपको सिखा रहा हूँ पढ़े। मैं तो पढ़ा लेता हूँ कभी इधर कभी उधर, मेरे को छोड़ दे। अच्छा यार इतने दूर क्यों बिठाया हुआ है? तो करीब बिठा देता हूँ। आपको ये सोफा बिल्कुल इधर मूव कर दें, इधर मूव कर दें। बहुत सारी तालियां उरूज के साल से ये कराची मेरे पास ही होता है ये। और हम अच्छा। नमाज साथ पढ़ते हैं। और दो साल पहले मैं लाहौर था। लाहौर में तो बहुत नमाजें पढ़ी हमने ईद की माशाल्लाह से। कितने साल रहे आप लाहौर में? मैं 20 साल। 20 साल? वाओ वाओ। अभी भाई ये आपकी पहली ईद है कराची में? इससे पहले मेरी दूसरी है। सेकंड ईद है? सेकंड। तो क्या डिफरेंट क्या होता है कराची की ईद में और गांव की ईद में? क्या फर्क है? कहाँ के गांव की ईद में? खैर गांव की ईद में यार मिठाई विठाई तो ले लें आप लोग प्लीज यार। और नहीं थैंक यू सर। गांव की ईद में बड़ा फर्क है और क्वेटा की ईद में बहुत ज्यादा मजा है। क्वेटा कराची की ईद बस ठीक है, लेकिन अभी आपके शो में आने के बाद जरा थोड़ी सी माहौल अच्छा हो गया। I know. अरे आप लोग क्या सब लोग डाइटिंग पे हैं क्या? आप लोग माइक में बोले ना कि माइक में क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा सुबह सुबह अभी जवेरिया डाइटिंग पे? जवेरिया डाइटिंग पे ओके। बहुत ज़्यादा। I don't know, आज आप शीर खुरमा बना रही हैं? यू हैव माइक और यू डोंट हैव? अच्छा शीर खुरमा बना रही हूँ सबके लिए अभी अभी। और वो और वो मैं बनाकर आई हूँ। कितनी देर लगती है नॉर्मली शीर कोरमा बनाने में? आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर बन जाता है शीर कोरमा? मैं तो 10 थोड़ा माइक ऊपर बोलना है या इसके इनके हम लोग जो है 5-10 मिनट में बनाएंगे। बट वैसे अगर दूध उबालें फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑल दैट और खोया वोया ना डालें इसमें चलाकी ना करें तो फिर आधा घंटा। 5 मिनट में कैसे बन सकता है शीर कोरमा? कैन यू एक्चुअली मेक इट? 10 मिनट में बन जाता है? बन जाता है। दूध को उबाला आने की जरूरत है। और मैं 2 मिनट में खा सकता हूँ। अभी आज मुकाबला करवाएंगे ना तो फिर लेट्स सी कि कौन कौन कितनी देर में खाता है। आज मुकाबले में बाइकें बाइकें कुछ नहीं। हाँ है ना। नहीं नहीं बाइक नहीं आज। अभी ये दो गाड़ियां खड़ी हैं वैसे आपको अभी दोनों जा चुकी हैं। और क्या मतलब अगले रमजान तक रखोगे क्या भाई? अच्छा, आज ईद का पहला दिन है भाई। आज बड़ा दिन है। हाँ आज 30 दिन वो एक तरफ, ये बड़ा दिन एक तरफ। ये बहुत आज बड़े इनाम होने चाहिए। सुने ना ये मसलन क्या चाहिए आपको? चले दो गाड़ियां ही हैं फिलहाल, यही चला लें। चलो चलो। अच्छा ये चल जाएगी दोनों गाड़ियां? चल जाएगी बाइक वगैरह निकल गई सारी? नहीं बाइकें सब निकल गई हैं, गाड़ियां भी निकल गई, 4 गाड़ियां निकली हैं। ये जो ये जो तो खड़ी है ये नहीं भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नहीं 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 ये प्रॉप देखे बात ये आज हो जाए ना, आज हो जाए यार, आज हो जाए, आज खेल ही लो यार। भाई जो जाने वाली थी वो चली गई लोगों पर। आज मैं खुद भी बोल रहा हूँ हो जाना चाहिए, आज हो ही जाए यार, आज हो ही जाए यार। मेरा कौन सा जेब से जा रहा है? हो ही जाए। आज ये दोनों गाड़ियां जाएंगी। हाँ दोनों गाड़ियां जाएंगी और वापस जाएंगी जिनकी हैं। और मुझे भी यही लगता है जिनकी हैं उन्हीं के पास चली जाएंगी। अच्छा एनीवे सुंदर, हाउ आर यू? आपकी ईद कैसी होती है? मेरी ईद भी वैसे ही होती है जैसे सबकी होती है। मैं उठती हूँ सुबह, अपनी अम्मी को सबसे पहले गले लगाती हूँ, उनको ईद मुबारक कहती हूँ, अपने अब्बू को कहती हूँ और उसके बाद उनसे ईदी लेती हूँ, तैयार होती हूँ ईद पर और अपने नेबर्स में जाती हूँ और उसके बाद शो में। हाँ उस
आज तो तैयार भी होने का मौका नहीं मिला, गाड़ी बहुत जल्दी आ गई थी। और तो आप क्या तैयार नहीं है अभी? आप आवाजें लगा तो रहे थे, हम लोग कौन सा आ गए थे। हाँ वैसे बात भी सही है यार, मुझे लगता है जिंदगी में वाहिद आदमी हूँ जिसे आप 5 मिनट के नोटिस पे बुला सकते हैं, और मैं 5 मिनट के नोटिस पे तैयार हो सकता हूँ नहाने समेत, बिकॉज आई स्वेयर मुझे टाइम नहीं लगता। अच्छा, और मुझे तो देखे ना पीछे टहल लाता एकदम पकड़ के। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सऊद एक्चुअली वो बेचारे टहल रहे थे और उनको पता नहीं था कि सबसे पहले ये दो तैयार थे, है ना। ये लेकिन आपको भी टाइम तो नहीं लगता तैयार होने के अंदर? नहीं मैं तो तैयार मेकअप करके आई। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, आपको तो टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, उससे ज्यादा टाइम लेते हैं। नहीं मुझे क्यों क्यों, इन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा पहले। नहीं नहीं, मैं तो अभी तो आया था ना। नहीं नहीं, वो मेकअप, आप मेकअप पे थे ना, वो पफ करवाना था, वायरिंग करवानी थी, तो फिर उसके बाद ही मेकअप में टाइम लग ही जाता है, जाहिर है। हंसे जा रही है, हंसे जा रही है यार। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस। और कोई है क्या? कोई नहीं आ रहा अभी? नहीं, ये क्यों दो पीछे बैठे हैं? ये यार ये हमारे परमानेंट फीचर है। सुने, हमने तो सुना था कि चांद जो है रात को निकलता है, आज हम लोगों ने दिन में निकाल दिया है, सुबह सुबह। ये डांस बहुत अच्छा करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है? हाँ प्लीज जरा परफॉर्मेंस दिखाएं तो सही आप आके, प्लीज। नहीं नहीं, वजी ऑल्सो डांस इज रियली वेल। नहीं नहीं सीरियसली, आप जरा देखिएगा, इतना अच्छा डांस करते हैं सर। प्लीज आ जाइए सर, प्लीज आ जाइए सर। ये नहीं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं सर, आप ये क्या करेंगे सर? छोड़ दें आप ये छोड़ दें, मतलब अफजल खान साहब हेयर, तो उनके लिए तो आप कर सकते हैं। जाइए जाइए जाइए, जल्दी आइए, इतनी देर नहीं लगाते आप लोग। सर मैं तो कुछ भी नहीं करता, जो अफजल भाई करते हैं डांस। अब चलें, अब जो भी है अब देख लीजिएगा। अफजल भाई करवा दें, अफजल भाई गुरु से तो इजाजत लेनी पड़ती है ना भाई। अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप चुप करके डांस कर दो। गुरु से इजाजत लेनी पड़ती है, तेरा गुरु आखिरी का पता नहीं कौन है, लगाइएगा जरा गुरु। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी अपनी शक्ल बहुत गुरुओं वाली है। चलो शुरू करो, 1 2 3 here we go, यही गाना है, तुम लैला हो। गो गो गो, I'm not gonna dance. There you go. Go. We just want to watch you. तुमको देखना चाह रहे हम लोग। क्या बात है? ये बात। अफजल भाई के लिए करो डांस, अफजल भाई के लिए। लेकिन आज इस गाने से नफरत हो गई है, ऐसी है लैला लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्ला। नहीं, नहीं, ऐसी लैला, देखो बात ये इतनी गंजी लैला। नहीं 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 साउथ, साउथ ये लैला को बुला रही है, अब वो जो लैला आएगी ना उसको आप जरा देखे ना वो क्या, वो तो कह रहे ऐसी है लैला। नहीं यार मतलब ये क्या किया तुमने? नहीं नहीं, ये कह रहे थे ऐसी है लैला आएगी अभी। अभी तो अभी तसव्वुर में है, तसव्वुर में है अभी। नहीं नहीं, अच्छा डांस। नहीं आपने तो जो किया किया, आप क्या कर रहे थे इनके साथ? ये तो पंजाबी फिल्म के हीरो बने हुए थे ना। नहीं सबसे अच्छी जो लुक थी वो ये ऐसे करके देख रहे भाई, सामने आके डांस करेगी या करेगा तो ऐसा ही होगा। सही बिठाया आपने मुझे वहाँ। नहीं क्या मतलब है सही बिठाया, ये तुमने ये गलत किया है तुमने। बहरहाल आप जाओ, जो जो हो गया वो हो गया,
हो गया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। इस शो को आखिर तक देखिएगा बिकॉज एक हमारा बहुत स्पेशल मैसेज है। आज हम सब कुछ कर रहे हैं बट देन अगेन एट द सेम टाइम एनीवे छोटा सा एक ब्रेक है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा इस शो को। आज हम 1 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे इन तमाम आर्टिस्टों के साथ। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे हट जाओ, घूमते रहो तुम यहाँ पे, और लोगों ने भी आना है। लेडीज एंड आपकी बहुत सारी तालियां साहिबा। लेट्स सी, कोशिश तो मेरी। आ जाए कहां लेको। ईद मुबारक, ओ सबको। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी, वी हैव गॉट हिना दिलपसीर साहिबा। बहुत सारी तालियां हिना जी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। यार तालियां शालियां तो होनी चाहिए क्या है? One, two, three, four. Okay. और कोई तैयार है कि नहीं है प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बाकी सब लोग तैयार है? और मुझे सच सच बता दीजिएगा कोई और, बिकॉज आई हैव गॉट नो आइडिया कि कौन कौन से लोग पीछे तैयार हुए कौन कौन नहीं हुए। हेना जी को माइक दे दीजिए प्लीज। अरे तुम लोग अपना खड़े हो, यहाँ पर माइक तो दे दो, इधर दो। कौन? एक मिनट मैं पता ही कर लेता, कोई बात नहीं, लाइव शो है, कुछ नहीं होता। अरे शेरी शाह, ओके, बहुत सारी तालियां शेरी शाह के लिए। शी इज ऑल्सो रेडी, आई एम सॉरी मुझे नजर ही नहीं आ रहा। वालेकुम, अब मुझे ये बताओ बरकत उज़्ज़मी को कहाँ बिठाएंगे? बिकॉज सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता। शायर सर वहाँ पिंजरे में, पिंजरे में। कहाँ पीछे में? नहीं मैं खुद जाके बैठ जाता हूँ। पिंजरा, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर। हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ये कुर्सियाँ लेके आ जाओ, कुर्सी ले। अरे ले आओ, ले आओ, ये सारी आज सब लाउंज ही तो लगा, ले आओ। चलो मैं खुद भी एक कुर्सी लेके आ जाता हूँ ताकि कम से कम बरकत और उज़्ज़मी को तो बिठाया जा सके। आपकी बहुत सारी तालियों में ऑफकोर्स द वंडरफुल बरकत और उज़्ज़मी, बहुत सारी तालियां बरकत और उज़्ज़मी के लिए। अरे आ जाओ ना, अब रुकना नहीं, आ जाओ। बरकत है ना उसमें, इनको बुलाओ जल्दी से। हेलो अंकल, ओए अंकल जा जाओ। देयर यू गो लेडीज एंड जेंटलमैन, बरकत है ना उसमें। ये तुम लोगों का गाना लगा हुआ है, यू नीड टू डांस है। ईद मुबारक, पैसे हलाल करो, इधर आओ। गाना लगाओ, गाना, पैसे हलाल करो, मिलना मिलाना बाद में, पैसे हलाल करो पहले। ओए मिल लिया तू, पैसे पैसे हलाल करो पहले, डांस लगाओ, पैसे हलाल करो, पैसे हलाल, यही वाला गाना। अरे क्या है, मिल लिया ना तू, क्या है, गाना लगाओ। नहीं नहीं हो गया मैं नहीं करना, तुम लोगों का गाना लिखो। नहीं भाई हो गया, माफ कर दे। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बेटा, इससे कुछ भी नहीं होता, इसे मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। लगा दे, चलो। हाँ हाँ
वो नहीं करेंगे। आप दोनों के हैं, आप दोनों को क्यों बुलाया आपने? हमने तुम्हें बुलाया क्यों यहाँ पे? इसीलिए बुलाया, हम लोग जांच के लिए बुलाया। हम लोग ऐसा नरगिस बुक हुए हैं। हाँ हाँ, तो और क्या। 1 2 3 गो। आजा चल। हाँ क्या, आपको फॉलो, तुमको फॉलो करूंगा, मैं तुमको फॉलो करूंगा। साउद आ जाओ। भाई आप वाकई भूखे नहीं मर सकते यार। Honestly, amazing. आपने कुछ नहीं किया, ये घर से करके आई है। इसने enjoy किया। How are you? माइक दे दीजिए इनको, माइक माइक प्लीज माइक। और तुम दोनों को वायरिंग वाले माइक लगा दो। ये लो पकड़ो। हाँ हाँ ठीक है ना, लगा पाए ना, तुम्हारा चल रहा है माइक। ये सॉरी यार, सब कुछ अजीब सा हो रहा है, बट दैट्स ओके। चल रहा माइक चल रहा। और शरी आपको माइक लगा। माइक है साहब भाई, आपको ईद मुबारक। साहिद साहब आप सबको ईद मुबारक, और जितने भी देखने वाले हैं साहिद लोधी का शो, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये रही, मैं तकल्लुफ कर क्यों रहा हूँ बैठने का। अच्छा वैसे एक चीज मैंने आप दोनों में देखी है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। आप ड्रेसिंग तकरीबन सेम है। अरे मैं भूल गया, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं वहां से कपड़े नहीं लेता हूँ जहाँ से ये लेता। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। दिस इज वन एंड ओनली साहिद लोधी। सर आपका को होस्ट हूँ मैं माहौल बनाता रहूंगा। सर आप सब कुछ हैं सर। आप ये आप, को उर्दू वाला इंग्लिश वाला को गो होस्ट, गो होस्ट नहीं बड़ा। एक्सक्यूज मी। अच्छा साहिर, अभी बरसात आनी है तो चीजें पहले निकल आई हैं। हालांकि अब तक डांस देखकर कहा है, वैसे मैंने कह अब तक तो आपको एहसास हो जाना चाहिए। इतने डिसेंट बंदे को कुछ कोई हरकत की है। यही आपकी गलत फहमी है। काश आपको शादी से पहले किसी ने बताया होता। ये रीसेंट है, रीसेंट बेटे 40 साल हो गए ऐसे निकले। माशाल्लाह आप तो 40 के बाद तो फिर अलग ही हो जानी चाहिए। इतना बर्दाश्त कर लिया एक दूसरे को। अल्लाह गोरी सलामत रखे। अच्छा मेरी बात सुनो, आप इंसानों में बैठ के क्या फील कर रहे हो? चलो माशाल्लाह सारे सवाल इनके मुझसे कर रही हैं आप। नहीं आके आपके मतलब अच्छे लगे हो। थैंक यू भाई, आपकी मोहब्बत। वेरी नाइस परफॉर्मेंस। हम लोग हो गए हैं कि आप हो गए हैं, क्या करें? नहीं मैं हो गया, आप तो प्लीज बात कीजिए। नहीं नहीं अच्छा सही सही तो बात है। तुम्हें कैसा लग रहा है इंसानों में आज? ये तो अब रमजान के बाद तो अब फारिग हुए हम लोग, हम सब। नहीं आप तो पहले ही फारिग हो गए थे। नहीं सर मैंने तो रमजान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रमजान में बता रही है कि आपको, आज ही छूटा। मैं आपको साहिबा मैं बताऊं, मैं तो रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोगों को नजर आऊं, नजर तो तुम नहीं आए हो यार। यार आए, आपने देखा नहीं। और नहीं तो क्या, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में मैं तो सामने था, सब लोगों के सामने था। हमारा चैनल आता आपकी लाइट चली जाती है। अच्छा ये तो मिसाल गलत हो गई कि रमजानों में शैतान बंद होता है। तो तुम ऐसे चैनल पे आते ही क्यों जहां लाइट चली जाती है? पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां रमजान में शैतान की जमानत मंजूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। यहां भी नहीं, यहां नहीं हुई। लेकिन आपने अप्रिशिएट किया मुझे, थैंक यू वेरी मच। अप्रिशिएट करती है। तालियां नहीं, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा आपके लिए एक माइक भी होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। माइक घर से लाएंगे। अच्छा साहिर बड़ी मजेदार बात ये कि आज सुबह हम लोग रात को सोए नहीं कोई, सारे जागते रहे सुबह तक। और उसके बाद गाड़ी का वेट करते 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 रैम्बो ने मुझे बोला यार गाड़ी नहीं आई। साहिबा कह रही गाड़ी नहीं आई, ये मुझे फोन कर रही, अंदर से मुझे फोन आ रहा है गाड़ी नहीं आई। कुछ देर बाद इसका फोन आया यार गाड़ी नहीं पहुंची। मैंने कहा मैं कौन ये समझा दिहाड़ी कैंसिल। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बनाया आपने सर। रियली नहीं इसका आया फोन, मैंने खुद सुना है, मैंने आया आया नहीं किया तुमने? नहीं इन्होंने किया मुझे यार, क्या हो गया? पक्के दोस्त है, पक्के दोस्त ये। तुम्हारा आया? अच्छा मेरा है, मैं भूल जाऊंगा, डायल पे रखा होगा, भूल गया रात को रख के। क्या हो गया सर भाई? नहीं मैं तो आपको देख रहा हूँ सर। सर भाई थैंक यू यार, इंशाल्लाह फिर लगा दो। वली भाई थोड़ा आगे आ जाए, ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ पे लिया बाप। वली भाई हमारे बड़े सीनियर है, वली भाई के लिए तालियां हो जाए। वली भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा साहिर एक मिनट, हम लेट क्यों हुए हैं? उनका हेयर स्टाइल बन रहा था। अच्छा मेरा तो वो भी नहीं बना, फॉरन अनाउंस कर दिया उन्होंने।
मैं तो बनवाना चाह रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा भर लूं थोड़ा। जी कुछ कह रहे थे आप इनको? नहीं भाई, वो टाइमिंग की बात थी, निकल गई निकल गई। मैं कहता हूँ इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि लोग उसे पकड़ कर गंजा कर दे। हाँ चलो, मुझे तो पूरा किया, उसको तो आधा ही छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, इसका मुंह देखें भाई कैसा लगता है। ऐसा मुंह नहीं लगता जैसे दरवाजे में, गाड़ी के दरवाजे में आ जा। एक मिनट, आप मुझे गुदगुदी करें, मुझे हंसाएं यहाँ करके, जल्दी करें, जुमला बोल के हंसा दिया करें। ऐसे हमारा मजाक है भली भाई, पहले आज देखो ऐसे नहीं लगता जैसे इस तरीके की आवाज साहब। अच्छा सारी झुकते हैं ना, ये रेमो भाई कर चुके हैं अपने शो में। रेमो भाई बड़े भाई हैं, उन्हीं से सीखा है मैंने। भाई को हम कोई जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं सीनियर, सीनियर को जवाब नहीं देते सारे भाई। सीनियर और सांप जहां दिखे मार दो। तो ये आज के हालात है। ये ईद आपकी ईद कैसी गुजरी है? छोड़े आप, आपकी ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है, आप लोगों में बैठ के बहुत ही मजा आ रहा है। वही बात है कि चांद रात को सोना तो होता नहीं, सफाइयाँ ये वो बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। मुझे तो लग रहा था कि शो में जाऊंगी और सोती रहूंगी, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। माशाल्लाह इतना मजे का शो। थैंक यू। तो आप ऐसे नॉर्मली शीर खुरमा वगैरह बनाती हैं? जी बना कर आई। अच्छा बना करेंगे, ओके ओके, ले आती तो हम सब खा भी लेते, हमें उरूज के हाथ का खाना पड़ेगा आज। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप अच्छा नहीं बनाती। पढ़ी लिखी शेफ तो क्या मतलब, दूसरे लोग क्या अनपढ़ है? दूसरे लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। पढ़कर मतलब खान सामा गिरी पड़ी है मैंने। खान सामा गिरी पड़ी, ओके ओके। तो कितनी देर में बन जाएगा? अगेन यू हैव सेड हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर बन जाएगा। 10 मिनट्स। तुम गाना कौन सा सुनाओगे हमको यार? अच्छा हम सभी गाते हैं ना, वो याद किया बिल्कुल आपके भाई के लिए। आप योर यू यूज्ड टू सिंग विद योर ब्रदर? हां गाते थे हम, सारी गाते थे, तो सब गाएंगे। चलो यार लगा दो। एवरीवन वुड सिंग। उसके बाद इसकी टीम का, इसकी टीम से अंताक्षरी का मुकाबला होना है, बट दैट्स लेटर। आप गा सकती हैं, कोई बात नहीं, हम सब मिलके गाएंगे। हां सब मिलके गाएंगे, बहुत अच्छा। आप लोग शुरू कर दीजिए। हाय हाय हाय, अगर तालियां हो जाएंगी तो कमाल हो जाएगा। आप लोग भी तो हमारे साथ ईद मना रहे हैं, जोर से तालियां बजाएं। 1 2 3 गो। याद किया दिल ने कहां हो तुम, टूटी बहार है जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। याद किया दिल ने कहां हो तुम, टूटी बहार है जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ब्रेक
ये बात और लगा दो, और लगा दो, और लगा दो। It's a nice song. All right, ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां नीलम मुनीर के लिए। आप डांस कीजिए प्लीज। नीलम, he wants to dance. माइक ये डांस, ये डांस वगैरह माइक का है, आइए। एक तो बुलाया नहीं, दूसरा इनकार भी नहीं किया, पहले कितने नखरे किए थे। बात यह है साहिल लोधी साहब के, वफा भी तुमसे, वफा भी तुमसे, खफा भी तुमसे, देख लेना एक दिन होगा निकाह भी तुमसे। मेरे दिल के अरमा मैंने कह दिया, अब मुझे निकाल दो शो से बस। और दिल है सच्चा, दिमाग है कच्चा। हाँ हाँ। दिल है सच्चा, दिमाग है कच्चा, तू क्यों नहीं बनता इंसान का बच्चा? ये क्या बात है? यही मैं कह रही थी, तब कोई सुन नहीं रहा था मेरी। यही भाभी चार्ज हो गया है आज। तो ये, तो ये आपको नीलम से इतनी मोहब्बत इतने कब से हुई है? ये तकरीबन जब से पहनना छोड़ा है। नीलम जी बताइए। शी इज अ वंडरफुल लेडी, चार्मिंग अस विद हर प्रीटी चार्मिंग नर्स। भाई याद करके आए, बोलने दे साहिर भाई, याद करके आए। पूरी रात पूरी रात याद किया था इसने, आपने बीच दोबारा बोलो बेटा। कुछ अंग्रेजी में शी इज अ वंडरफुल लेडी, चार्मिंग अस विद हर प्रीटी लुक्स। ओए ओए, दैट्स ऑल माय लॉर्ड, आई लव हर। ऐसा कोई चांस है कि आप इनसे कभी खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना खास्ता, हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। और अब नीलम देखिए, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, किसी ने दिया तो क्या करोगी, ऐसा वक्त आया तो क्या करोगी। देखिए मैं आपको इतना चाहता हूँ, जिसने ऐसा वक्त आ चुका है, बताओ क्या करना है तुमने। नहीं, वो कुछ कह रहे हैं, खुद क्या कुछ कहने दो। मैं आपको इतना चाहता हूँ जितना इस मुल्क की आवाम लोड शेडिंग को चाहती है, बस ये ध्यान रख लो। कल क्या हुआ, ठंडा था क्या? आज आने से पहले मुझे फोन भी किया था बरकत ने। देखा, यस यस, तुम्हारा मसला क्या है यार? किस किस को फोन करते हो तुम? पहले सऊद को फोन कर रहे थे, फिर इधर फोन कर रहे थे, फिर नीलम को फोन किया, मसला क्या तुम्हारा? सर मेरा फोन जो है ना, वो बैठ जाओ, चुप कर, बैठो। 24 आवर चार्जिंग पर होता है मेरे। नहीं, ये गाड़ी नहीं, नहीं नहीं, गाड़ी कंफर्म कर रहा था, उनकी गाड़ी में आना, किसी और की गाड़ी में आना, कॉल सेंटर में काम करता है। अच्छा, क्या क्या मुझे कॉल करता है, अवार्ड भी मिला है मुझे, अवार्ड मिला है। जी जी, क्या फोन करके? अच्छा, क्या? हाँ, क्या करोगी नीलम? अल्लाह ना करे, खुदकुशी, 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 तो उससे बेहतर है फिर इसके साथ ही रह लो। हाँ यार, किसी के काम ही आ जाए। देखे, बात ये है ना, दोनों शर्तों में हराम है यार। देखो ना, बरकत मैं मम्मी को बोल देता हूँ, चैनल चेंज कर, मेरी बेइज्जती हो रही है। हो सकता है दूसरे चैनल पे भी हो रही हो, और हो सकता है वो रिकॉर्डेड हो।
100% live है, you can give us a call. और आप हमें कॉल कर सकते हैं. बरकतन उज़्मी इज़ हियर, ऑफ कोर्स शहरी इज़ हियर, जवेरिया इज़ हियर, सऊद इज़ हियर, अयूब खोसा साहब इज़ हियर, नीलम इज़ हियर, हिना जी इज़ हियर, ऑफ कोर्स रेम्बो भाई इज़ हियर, अफजल भाई इज़ हियर, रूज इज़ हियर, सलमा इज़ हियर एंड साहिबा जी इज़ हियर एंड ऑफ कोर्स वजी एंड वली इज़ हियर. ये तमाम लोग अपनी ईद हमारे साथ मना रहे हैं, आपके साथ मना रहे हैं. तो यू कैन गिव अस अ कॉल, डायल अस अप एंड ऑफ कोर्स इनसे अगर बात करना चाहते हैं, इनको विशेस कहना चाहते हैं या पाकिस्तान को विशेस कहना चाहते हैं तो प्लीज़. आप मेरे ख्याल में नीलम आप शादी कर लें इनसे. सही बता रहा हूँ. और ऐनक छुपा देना, ऐसे पता नहीं चलेगा घर हो या नहीं हो. लेकिन मुझे तो पता चलना चाहिए ना ये घर है कि नहीं. सर ये क्या बात हुई है? क्या बात है? क्या मतलब? मैं तो तुम्हारा चश्मा देख के पागल हो गया. मैं यहाँ बहुत सारी चीजें देख के पागल हो गया. ये बड़ी बात है कि तुम देख रहे हो. अल्लाह का नॉर्मली तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए, इस नंबर पे नजर नहीं है. यू लिटरली इज ब्लाइंड, ऑलमोस्ट ब्लाइंड. अच्छा कॉल ले लो, एक टेलीफोन कॉल है. कॉल ले लो, कॉल. हेलो, बाहर जाके ले भाई. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन है हमारे साथ? मैं लाहौर से फजाना बात कर रही हूँ. अरे माशाल्लाह, मैं कराची से बरकत अली बात कर रहा हूँ, साहिल लोधी साहब के शो से. जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है. जी जी, नंबर लिखवाएं. तो साहिल साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक. बहुत मुबारक. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आपका हमने सारा ट्रांसमिशन देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन था और इसके लिए मैंने मुबारकबाद देती. लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मेरी कॉल उस दौरान तो नहीं मिल सकी, लेकिन आज भी माशाल्लाह सारे आपके जो मेहमान हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट. सबसे ज़्यादा तो अयूब खोसा साहब जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको बहुत सलाम. बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और हिना बिन सदी साहिबा और साहिबा और जॉन रेम्बो और सऊद और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक. क्या बात है, क्या बात है. आपको बहुत ईद मुबारक हम सब की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा मुझे पता है ब्रेक का टाइम कितना है, क्या मैं अंताक्षरी पे जा सकता हूँ? अगर जा सकता हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा. कैन वी, मुझे प्लीज़ बता दें, सामने से इशारा कर दीजिए. अच्छा जा सकते हैं. ओके तो ये टीम इस तरफ है और ये टीम हमारी है. ये टीम मतलब मैं बीच का आदमी हूँ. आप लोग एक टीम की तरफ से. साहिर हम सबको इतना शौक है, टेंशन ना लें. हाँ हाँ नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं. बिल्कुल कोई हिला के कहते हैं भाई अंताक्षरी खेलनी है, सब तैयार हो, सब तैयार हो जाते हैं. मजीद तुम इधर आ जाओ, मेरे ख्याल में सब बैलेंस हो जाएगी टीम. तुम इधर आ जाओ. साहिर दो टीम नहीं, सुंदस भी है ना वहाँ पे. सुंदस का चली गई. मेकअप साहिर. हाँ बोले यहाँ से जो भी गायब हो उसको आप मेकअप में तलाश करें. दो टीम्स हैं. हाँ दो टीम्स हैं. आप बाहर बैठे, हम शो करके बुलाते हैं आपको. जाओ उधर चले जाओ, उधर चले जाओ. हाँ जी ओके जी ठीक है जी. पहला गाना कौन शुरू करेगा? आप लोग शुरू करेंगे. अब बंद कर दिए म्यूजिक. हियर वी गो. ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए. ईद का मिलिए, ये से शुरू होगा. मिलिए हमको लगा कर मिलिए. ये नाज है. आप बड़ी है. क्या हो गया शहरी को? बड़ा है, बड़ी है. जाओ भाई जाओ. शहरी को बड़ा कह रहे हो? अरे यार यही दो बड़ी है से यार. भाई बड़ी है. मैंने क्या बड़ी है? कहाँ ये बड़ी है? हाँ ये तो मुझसे भी बहुत बड़ी है. भाई यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है. सब रंग चले चलते रहे हम सदा. यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है. ये भाई हमारा गाना है. जहाँ भी आए माइक चाहिए, सुंदर को माइक चाहिए. सुंदर तुम इधर आ जाओ, इधर इनके हवा. हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली खुली जुल्फ मिटा दे. अब उसका बता दे, मैं उससे मिलूंगा. एक बार मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे. फिर ये आ गया दे, फिर ये आ गया दे. ये अदा, ये दा
ये तो बेमन, आप जहाँ चाहे रोक ले, आप जहाँ चाहे रोक ले भाई, आप जहाँ चाहे रोक ले। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बहुत हो गया, जज फैसला करेंगे ना कहाँ से? सर आप लोग फैसला कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो ऑडियंस हूँ। गुड़िया जींस जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, गुड़िया जा जापानी, गुड़िया जय पापा मूपा बी 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 पापा मूपा पुआ आया। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ये टाइम भी ऐसा ही है। अच्छा, मेरी जिंदगी है आइए, क्या हो गया, मेरी हर खुशी है, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। अच्छा एक और गाना भी है, एक और भी, पू 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 मेरे ख्यालों में चाहिए है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अदा पता मालूम नहीं, को को कोरीना, कौन सा मधुर चांदनी में हम जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही आगे खो गया। अलीफ ओ जाने जाना, अच्छा ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ रहा
राजा सीरियस है, यूं खुश हो जाए। भाई सारा सीरियस हुए कहां से? कह रहे यार ये टोन नहीं है यार, ये टोन है। हरगिज न थे पर हम वफा उदासी वहां भी आ गई। मांग 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 अब मांग अब पूरी पंगट बैठे हैं रोगे नहीं जाओ गागर को छोड़ो। यहाँ कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो जब आज प्यार नहीं है तो ये क्यों? यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? ऐसी बातें दिल की जानता ही नहीं। मेरा हमदम भी कितना बावला है ये यार आज की शहनाई रूठे दिलों को पुकारे दिल के द्वारे। अच्छा फिर हमें भी फिर याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये हो गया, ये तो हो गया। मुझको बड़ा सताएगी बसित ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाए। ये अभी थोड़ी देर तक ये चलता रहेगा, आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। बिकॉज इसके बाद इन लोगों को पता नहीं है, मैं इनको लफ्ज दूंगा और इनको गाना पड़ेगा। अभी देखिएगा, अभी तो ये जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद मैं दूंगा इनको लफ्ज, ये लोग फिर गाएंगे। छोड़ सा ब्रेक, आप समझते ब्रेक के बाद ईद मुबारक थी यू। सर जाइए, ये गाना आप ही के लिए बना है, सिर्फ ये आपके लिए बना है सर। नीलम ये गाना सिर्फ इनके लिए बना है, तो प्लीज जाइए प्लीज सर। सर शेरी न्यूज सर, प्लीज 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 स्टार्ट उसके बाद हम लोग के डांस खेलेंगे। शी इज अ वेरी गुड डांसर रियली। ओके तो प्लीज जाइए ना, प्लीज जाइए, लगाइए गाना, लगाइए प्लीज गाना, लगाइए लैला पे लैला। हियर वी गो ओ यो ए सबको काम लगा हुआ है। अच्छा जी, सो वी स्टार्ट अगेन। हाँ जी, लफ्ज आप देंगे ना? लफ्ज मैं दूंगा। अच्छा ठीक है, दिल। अच्छा मैं समझा, खत्म हो गया। दिल दिल दिल, अरे दिल दिल दिल, दिल। पाकिस्तान जा, 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 पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, जा, पाकिस्तान दिल अखियों दिल
दिल अच्छा अखियों के झरोर मिल गई यार आप लोग अपना खुद ही कर ले, छोड़ दिल पे, आप लोग खुद ही करें। मेरी अखियां वीक है उसको गाने दे। मैं क्या अच्छा गाना है, प्यार में अंधा है, चुप हो जा। 1 2 3 अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरी, यार सामने आ जाओ ना, सामने आ जाओ, बड़ी दूर नजर आई। नहीं आ सकती हूँ मैं इसके। ये हाँ तो ये। अरे यार कोई नहीं, आप लोग खुद ही कर ले, आप लोग खुद ही कर ले, ज्यादा मजेदार है, आप लोग खुद ही कर ले, आप लोग खुद ही कर ले। चलो यार एक काम करे दोनों ही दूसरे को लफ्ज दे, बस मैंने शुरू कर दिया, मुझे माफ करो यार, बस मैंने शुरू। ओके ठीक है देखो साहिर बदमाशी 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 क्या गाओगे बदमाशी, तो कोई ओवरलैप हो रहा है, प्लीज मैं इस तरह शो नहीं कर सकता, प्लीज क्या मैं ओवरलैप हो रहा है, मैं कर लूंगा शो, ओवरलैप हो रहा है, कह रहा हूं ओवरलैप हो रहा है। यस देखिए आप लोग खुद ही शुरू करें वो ज्यादा अच्छा है, मैं लफ्ज दूंगा तो वो अजीब से सुनेंगे। नहीं लेकिन शर्त उनको दे दिया मैंने, दिल दे दिया था उनको, दिल दिया आपको, अखियां आपको लानत दी, आपको क्या दिया, हमें अखियां दी, आपको कह रहे हैं आप, अच्छा लानत दी। या एक काम करते हैं, मैं और साहिबा आप लोगों को लफ्ज, साहिबा आप दे सकती है लफ्ज, आप दे दीजिए। चलो भाई मुश्किल काम मत, वहां चली जाओ आपको चेक टाइम पे मिल रहा है मुझे तो आप दे ना लव चेक टाइम पे खड़े हो गए, चेक टाइम पे मिल रहा है ना। भाभी आप पूरा होमवर्क करके आइए, पूरा होमवर्क करके। चूड़ियां चूड़ियां गोरी है कलैयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, यही चूड़ियां चूड़ियां और शुरू नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मैम, सही कह रहा है, सॉरी फॉर इट, ना गाने चूड़ियों के चूड़ियों से शुरू हो रहा है, गाना है मोहम्मद, नहीं नहीं गाना मत गाओ, ये गाना है शब्बीर कुमार का, गोरी है कलैयां, वो ये शब्बीर कुमार का जवेरिया प्लीज। चूड़ी जो खरी की हाथों में, चूड़ी लड़की, आप लोग बताइए सही गा रही हूं ना दोनों गाने, गाना मत गाएं, नमक डाल दें नमक डाल दें ताकि जोक पड़ जाए, बहुत अच्छे, वो मेरा वोट आए साथ जाना है ना वापस आज रैंबो भाई ने जुगते याद करवा के लाए हमें। आप भारी चल रहे हैं भाभी, घर पे भी भारी इसी तरह ये तुम्हारे लिए तैयार करके लाया। अच्छा हमारी पाकिस्तानी बीवियां ना बेइज्जती करने से पहले ऑफिशियल इजाजत लेती हैं, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं है ना, इजाजत लेती हैं। तो मैंने आपकी आज बेइज्जती करनी है नहीं, ये करने के बाद लेती इजाजत। अच्छा कहते मैं के जा रही जी, मैं चाह रहा हूं गाना भूल जाए, आप लोग जुगतों में आ जाए। नहीं नहीं गाना 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 इतना मजा आता है इनको अपनी इंसल्ट होने में ना, बेइज्जती हो रही है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अपनापन लग रहा है, माइक में क्या फील कर रहे हैं जी, अपना देवर सा फील कर रहा है जी। गाना फूल 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 पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम वाजिर कुमार, तुझे सलाम, कमीज तेरी काली सुन फुलवारी, कमीज तेरी काली सुन फुलवारी, बमे बसे तू बलैत असा कर दी दीरत, तनू लेके जाए पिया वाली, कमीज तेरी कागज कलम पेन से शुरू
करो पैन, पैन का जिक्र कर रही हूँ। सोनी 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 धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद। बस जी आप बोलेंगे ना वर्ड जी अपना जैसा नैना 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 ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। बहनों की मत सुनो नैनों की मत मानियो नैनों की मत सुनियो नैनों की मत सुनियो रे नैना डस लेंगे डस लेंगे नैना डस लेंगे। बस यार अब आगे बोलो आगे अब कुछ बोलना नहीं पड़ रहा यार ये बात हम तो घर से ये सोच के हम नहीं बोलेंगे ये क्या बात है ये आपने कैसे सोच लिया कि आप नहीं बोलेंगे नहीं नहीं कम बोलेंगे अच्छा ज़्यादा बोलेंगे फंस जाएंगे भाई अगला लफ्ज तो ले ले दे दे अपने शोर को नहीं दे रही आधा लफ्ज इधर के उधर इधर 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 कुंडी कुंडी मत खड़गाओ हाँ कुंडी मेरे घर में तो कुंडी है खिड़की है कुंडी मत खड़गाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा राजा पर उम्र जाके कुंड बनाओ ताजा बनाओ ताजा ताजा कुंडी मत खड़गाओ राजा सीधा अंदर आओ रा मूड बना पर उम्र छिड़क के मूड बनाओ ताजा ताजा। अबे यार घर में दरवाजे क्यों लगवाए जब इस कंटेंट का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसी की रेटिंग आएगी। इसी की रेटिंग आएगी। क्या रे? नहीं वो तो हो गया ना। गोरी हो गया भाई। गोरी हो गया अब काली काली नहीं नहीं वो गाला हो गया। काली 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 तेरी चोटी है पर अंदर तेरा लाल काली तेरी चोटी है पर अंदर तेरा लाल रूपति और रानी तू पर अंदर तो अच्छा जी हेलो वापस आ गए तालियां तो बजाते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं देवी को यार इतनी 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 मेहनत हो रही है कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वापस आ गए हर ब्रेक से जब आप वापस आते हो ना तो नीलम इधर से आ रही होती है हाँ नोट की है। नहीं उसने अपनी एंट्री बनाई है एंट्री बात ये भी ब्रेक ले रही होती है ये आप ब्रेक लेने जाती है भाई इसके साथ अच्छा क्या आप ये बताएं मैं आप इनसे पूछूं आप नीलम को देख रहे हैं नहीं नहीं इसका एक बड़ा कमाल है ये लड़की ऐसे फंसाता है वो देखो सोफे में बैठा है फंसी हुई है वाह वाह काश दिलों के भी इलेक्शन होते अच्छा तो मैं धांधली करके तुम्हें जीत लेता धांधली और फिर इसका हाल भी वही करते जो मुल्क का हो रहा है क्या जुमला है वाह 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 मुझे आपकी इतनी जरूरत है जितनी इमरान खान को नवाज शरीफ के इस्तीफे की पिछली बार पूछ के कब बैठा था भाई पूछा करो सीनियर है सॉरी सॉरी सर दोबारा पूछो दोबारा नहीं सर बैठ सकता हूँ मैं यहाँ नहीं चलो उठो अब उठो जाओ तुम दोनों जाओ she is a very humble and I'm fumble
No, you are Kambal. Kambal. अच्छा अगर तुम मेरे साथ फिल्म में काम करने का चांस मिले तो कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे इंस्पायर होकर तुम बनाओगे फिल्म? ऑफर कर चुके हैं ब्रेक में. मैं ऑफर कर चुका, फिल्म बनाई हुई है मैंने. कौन सी फिल्म है? कार्टून फिल्म. शॉर्ट स्टोरी. पहले सीन में पिस्टल दिखाना है, दूसरे सीन में मर्डर. नहीं तो क्या, कौन सी पिक्चर होगी अगर इनके साथ आप करें? पिक्चर होगी लव स्टोरी, जाहिर सी बात है, माँ बेटे की तो होगी नहीं. है? लव स्टोरी फिल्म होगी. लव स्टोरी. उसमें ये मुझ पे मरती हैं. अच्छा. और फिर वो काफी हद तक मर जाती हैं. इनको गोली लगती है, ये आपके गिर पे मर जाती हैं. जी जी. नहीं 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 नहीं, देख के मर जाती हैं. देख के मरती है, इस बात में डिप्रेशन हो जाता है. मर जाती है वो बेचारी, अभी से सोच के मर जाती है. हमारी न्यू बजट की फिल्म है ये, ठीक है ना? हमारी पुरानी फिल्मों की तरह नहीं है. अच्छा. कम बजट की. और हमारी पुरानी फिल्मों में सबसे मुश्किल काम क्या होता था? गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना. तो ये इसमें गवाह भी मैं हूँ, दस्तखत भी मैं हूँ, सब मैं हूँ. आजकल जो पैसे बन रही है ना, उसमें एक ही बंदा सब कुछ जो पैसे लगा रहा है. कौन? कोई नहीं. नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप क्या करेंगे, किस तरह, कौन सी पिक्चर होनी चाहिए, ऐसी कौन कोई पिक्चर बताएं जिससे इंस्पायर हो कि आप ये फिल्म बनाएंगे. कोई एक फिल्म का नाम नीलम को आप ऐसे देखना चाहते हैं? चाली पुलाव. पूर के पहलू में लगा. क्या ले नीलम बताए ना, माइक पर करें. सलाम. अच्छा, मैं तो उनके डायलॉग पे फंस गई हूँ. गवाह को सलामत अदालत पहुंचा. जो डायलॉग पे फंस सकती है. अच्छा, नहीं, आपका टाइटल आपको, आप कार्टून फिल्म में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. अच्छा, नहीं उसमें तो कर रहे हैं. अच्छा, वैसे इनके मुंह की तारीफ नहीं है, इनके मुंह की तारीफ नहीं है. अगर इनकी इतनी बेइज्जती होती ना सिगरेट जलती है आग से पानी से नहीं. सिगरेट जलती है आग से पानी से नहीं. प्यार करता हूँ तुझसे, तेरी नानी से नहीं. तो मेरा असल में ऐसे घटिया शेर हमें भी बहुत आते हैं. अच्छा, तो मैं अच्छे शेर सुनाता हूँ. अरे शायरी का मैं अच्छा शेर सुनाता हूँ फिर आप. चलो शायरी का मुकाबला कर लो, शायरी का मुकाबला. लेट्स सी कि कौन जीतता है. कि तेरी यादें कांच के टुकड़े. हाँ, सुभान अल्लाह. तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पांव. के वफा ढूंढने निकले थे. वफात पा गए. सीरियस शायरी है. शायरी कि मैं कोई आंखों में बात कर लेता है, कोई आंखों में मुलाकात कर लेता है. ये मेरे दिल की आवाज है. कोई आंखों में बात कर लेता है, कोई आंखों में मुलाकात कर लेता है. बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई इंग्लिश में बात कर लेता है. जी अब आप कि भाई उलझे है तेरे ख्यालों में ऐसे. उलझे है तेरे ख्यालों में ऐसे अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे. अच्छी बात. अच्छा, याद खोसो साहब के बारे में. जी आप क्या आपकी शेर सुनाएंगी? एक शेर चुप करके सुनना है, हौसले के साथ. ओके. ये हस्बैंड को भी समझाइए. यार आज तो रैम्बो भाई तो बोले ही नहीं आज. माशाल्लाह, मेरे शेर में किसी ने नहीं बोला. आपने ये शदार पे बेल्ट टाइट बांध लिया, क्यों वो नहीं बोल रहे? बोले आप. मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही. अच्छा, प्लीज मेरा शेर सुनो. जी जी जी. सीरियस नोट. जी जी. हजार के नोट पे. मैं नोट निकाल. पंजाबी समझते हैं आप? जी जी जी. अल्लाह का शुक्र. कोई ऐसा जादू दस माइया. हाँ. मैं मौत लिखा एनु पै जावे. कोई ऐसा जादू दस माइया. लड़कियों ने जिंदगी पर गम दिए. जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कोई लड़की ऑनलाइन जरूर है. भाई आपके मुंह की तारीफ नहीं. हाँ, थैंक यू. ये होते ना डूब के मर जाते. वो एक तो लग रहा हो गया. यार कैसी बातें हो रही है. दिस इज अ डिसेंट शो प्लीज. नहीं नहीं. अच्छा. नहीं नहीं, क्या हो गया? साहिर लोधी का शो है, क्या हो गया? अच्छा, परेशान ना हो, पानी भी है. अच्छा, पीछे फिर ठीक है, पेप्सी भी है. अच्छा, जल्दी से निकाह कराए, काजी साहब को बुलाएं. होता यही है. काजी साहब अब तक नहीं है, देखो यार. हाँ, बाकी आ जाना चाहिए था. चलो काजी साहब ने फैसल काजी को बुला. लेकिन काजी साहब आएंगे नहीं? काजी साहब नहीं आ. अच्छा, काजी साहब आए हुए हैं, वो जरा अपने बाल शाल दाढ़ी शाड़ी भूल आए हैं. अच्छा, वैसे ये दोनों पीछे जो खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं वो शादी में नहीं आते, बिन बुलाए लोग पीछे खड़े हो जाते हैं. तस्वीरें लगे भाई. नहीं लग रहा, इवल डेथ फिल्म चल रही है. कौन सी फिल्म चल रही है? इवल डेथ. सारे गंजे थे उसमें. नहीं,
मैदान मैदान में आ जाओ आगे। इसके चक्कर में नीलम आई है, वो कितना खामोश बैठा हुआ और ये बोले जा रहा है। अच्छा मुझे चक्कर आ गए, बस नीलम को चक्कर आ गया। यहाँ दो 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 लोग नीलम के उम्मीदवार हैं। नीलम को चक्कर नहीं आ रहे, नीलम को बुआ। अच्छा नीलम इफ यू भाई यहाँ बैठ कर तो मैं चार चोर हूँ, कह रही हूँ वहाँ आ जाए। अच्छा एक बात ना, इफ यू हैड टू पिक बिटवीन हिम एंड हिम, हु वुड यू पिक? दोनों के दिल नहीं तोड़ना चाह रही। नहीं, शी इज रिलायबल, नीलम रिलायबल है। उसको तुम्हारी ज़हनी कैफियत का अंदाजा हो गया है, उसको पता है पागलों को कैसे ज़्यादा डील करते हैं। लोग कहते हैं लड़कियां दिमाग पढ़ सकती हैं, अगर लड़कियां दिमाग पढ़ सकती तो हर आदमी हर एक मिनट में थप्पड़ खाता। छोड़ दें। Am I true? This is true. भाई लड़की का दिल पानी की तरह होता है, लड़के का दिल मोबाइल की तरह होता है। चाहे मोबाइल पानी में गिरे, पानी मोबाइल पे गिरे, सत्यानाश मोबाइल का ही होता है, याद रखिएगा। तेरा अभी तो तेरा सत्यानाश हो रहा है। अच्छा भाई आपके मुंह की तारीफ। भाई मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे हैंगर को लटका दूं, क्या करूं? अच्छा एक मैं बात करना चाहूंगी, माइक है किसी के पास? जी जी, नहीं माइक तो आपके नहीं, माइक तो आपके पास लगा हुआ है। माइक तो लगा हुआ है, नहीं मुझे किसी से बात करनी है। अच्छा किसी से बात? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरे वाह, ये बोलती भी है। अच्छा वैसे मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सुनिए मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप करीब से बैठ के शो देखने अच्छा लग रहा है? बरकत के लिए कोई टोटका बताएं, केस केश का भूत उतर जाए। हाँ मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आता, बरकत के लिए कोई टोटका बताएं। एक मिनट यार, उनको भी बात करने दो। नहीं एक मिनट आपसे सवाल है, आपने साहिर लोधी को करीब से देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और जो टीवी में बैठ के देख रहे हैं बाहर नाजरीन, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है उनको ये चांस वो मिस कर दिया। बिल्कुल ये चांस मिस कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम उनकी टीम का हिस्सा हैं और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम शो में हैं। सही बात, जरा भी नहीं लग रहा कि हम कसम से, कसम से लगता है घर में बैठे। और उन बेचारे ने भी शो पकड़ा के, ये लो पकड़ो जाओ, माफ करो। अब ये घर किसका, ये डिसाइड करना है। मेरा मेरा घर मेरा भाई, घर इनका है, घर मेरा है, घर मेरा है। हां घर यार, ये सोच रहे हैं तो क्यों बुलाया? लेकिन अगर ये शो ऐसे चल रहा है और सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उसकी वजह भी यही है कि साहिर का शो है। काश हमारे मुल्क में भी ऐसी जमहूरियत होती। नहीं यार है, मुल्क में जमहूरियत कुछ भी तो कह देते हैं। किधर है ना यार, किधर है मुझे बता दे। सीरियसली है, मैं देखना चाहता हूं। पीछे रखी है वहां। हां मैं लेके आता हूं थोड़ी देर में, दिखाऊंगा ब्रेक में आप लोगों को। नहीं है तो सही जमहूरियत, सही सही जमहूरियत तो है। हर आदमी सभी कुछ तो कह देता है और सभी को कह देता है, किसी पे कोई पाबंदी है थोड़ी। कल को कोई भी खड़ा हो जाता है, टीवी पे भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया पे भी बोल देते हैं, हर आदमी हर बात कर सकता है। The only thing is, बात का असर कोई नहीं होता। मैंने साहब से पूछा ये खुशियां क्या होती, कह रहे पता नहीं भाई, एक तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। आपको अब भी नहीं पता चला खुशियां क्या होती है? नहीं ये फिर कभी नहीं पता चलेगा आपको। ये तो मेरी वाली खुशी है, दूसरों की खुशियां बता रहा हूं। मेरी बात सुने बरकत भाई। नहीं मेरी वाली, मेरी बात तो सुने। जी जी, नीलम के साथ ना बैठे, वो इतनी सी जगह पे गाना कर लेती हैं पूरा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ आप मुझे अपना बना के रख लो, सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। मुझ पे भी अटैक, आप किस मोड से आई आज? आज तो भाभी, नीलम गाने के लिए, आज तो भाभी ने भाई को बहुत कूटा है। एक जप्पी गाने के लिए, एक जप्पी। अरे चले भाई आप आज। तुम मुझसे मिल लो, पहले क्या हो गया? तू मुझसे मिल ले यार, मैं ले आऊंगा। खींच के तन लिया, कोई तो खींच के लाए। क्या मतलब खींच के लाए? बरकत जगह पे भाई का जगह पे तुम्हारा पर्स रह गया है। कहां पे? नहीं मेरा पर्स है। अच्छा यहां आया हूं तो पर्स लेके आया हूं, तो मैं पर्स लेके आया हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम बैठे बैठे डांस कर लेते हो? बैठे बैठे यस कर सकते हो? यस यस करके दिखाओ। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ, लगाएं जरा, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, करके दिखाओ। जरा ख्याल रहे, इस तरफ मैं ही बैठा हुआ हूं। माही में लगाए ना, अब मैं भी बैठा हुआ हूं। शायर शायर खोसा साहब तो बैठे बैठे, नहीं यही गाना, यही गाना, यही गाना, मैं बैठा हुआ हूं यहां। एक मिनट शायर वहां बैठ के तो कर लेगा, अलग कुर्सी पे बिठा के करो, अलग कुर्सी पे घंटा करता रहेगा। अच्छा इधर आओ, अलग कुर्सी पे बैठ के कर लो, अलग कुर्सी पे बैठ के। खोसा साहब मेरे बड़े सीनियर हैं और इतने सीनियर अपने माइक को भी खिजाब लगाते हैं। अबे इधर बरकत की कुर्सी नहीं छोड़ता, आ जाओ इधर, इधर आके कर ले बैठ। इधर नहीं, नहीं इस पे बैठ जाओ, प्लीज प्लीज, कुछ भी नहीं होता, डजंट मैटर। कब नहीं, नहीं अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ओके इस डेट में पुट योर सगा द साला दे बैठते हैं। बोल रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। नहीं वो कि
किसी के भी नहीं है। का नाम समझ में आता है, एक नाम समझ में आ रहा है बहुत है। ये कुर्सी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा मेरे लिए कभी नहीं रही। नहीं शायर आप तो शो खड़े होकर करते हो, कभी बैठे ही नहीं। अच्छा पता नहीं मुझे मुझे बहुत ऑड लगता है कि अगर कोई मेरा सीनियर आया हुआ और मैं उसके सामने कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। नहीं कर सकता मैं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल बात है। अच्छी बात, मतलब इमेजिन दिस के शकील साहब आए हुए और मैं बैठा हुआ उनके सामने, उनसे पूछ रहा हूँ आप कैसे, हेलो, अजीब सी बात लगेगी, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। हाँ जी सर प्लीज। क्या बाहर लोगों को बोला डांस करके बैठे म्यूजिक पे। अच्छा चलो सब करते हैं, बैठे सब बैठे बैठे करते हैं, चलो अपने अपने तरीके से सब बैठे बैठे करेंगे। गाना एक ही है, हाँ यही गाना, एक ही गाना है। तेरी फरमाइश पे लगाएंगे क्या, हमने अगर गीत माला का कोई दुकान खोली हुई है। चलो रैम्बो भाई से डांस करना, रैम्बो भाई से, रैम्बो भाई भी कर रहे हैं, अपना अपना करें वो। हाँ अपना अपना करो भाई, यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ चलो तुम शुरू करो। अच्छा मेरे से स्टार्ट होगा। हाँ चलें, 1 2 3 चले, रहने दे आगे चले। नहीं नहीं यार कर रहे हैं, नीलम जीत जाएगी। नहीं गाना और जरा जोर से लगा दो यार, जीत जाएगी आप। ये बंदर बाओ Sherry. Woo. Oh la la! Khosa Sahab. Are you Khosa Sahab? Oh. Neelam. Karke dikhao, ye kya kiya hai? Ye kya kiya hai? You. नहीं आप, आपकी बारी, आगे रहे ऐसे। Yes, yes, yes. अच्छा डांस किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात लगाए 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 जरा।
बहुत सारी तालियां और ये गाना लगा दिया। अच्छा एक वो दूसरा वाला गाना कौन सा था, गड्डी में चलानी है पता नहीं कुछ पवादे कुछ क्या तेल 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 में, हाँ वो आ गया। आई थिंक सॉन्ग लाइक दैट आई लव नदीम, नदीम का गाना है, गाना बहुत अच्छा है। देयर यू गो दैट्स इट गो। ये तो मेरा घर एक ये गाना जब लगता मुझे कुछ होता है, बढ़ाओ इसको। गाना वैसे वाकई थैंक यू थैंक यू। यार वैसे एक बात है, उसमें ने डांस नहीं किया ना, बनता है तुम्हारा, ये लगा दो ये लगा दो ये लगा दो। अच्छा बर्गर एंटीबायोटिक खाई है अभी, रोजा किसी से छीन गए, ईद वाले दिन शैतान का रोजा होता है। आज नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, बोल देना ऐसा ही। अच्छा
तबीयत थोड़ी खराब है, मैं देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ये तो रोजा रखे, जहाज में बैठ गया ना, रोजा रखे, जूस मांग रहा, उन्होंने बोला आपका तो रोजा है, कह रहा है वो तो नीचे है ना। क्या बात है। अच्छा तुम लोगों को कितने साल हो गए एक साथ? हम दोनों को माशाल्लाह 8 years, 12 तो तुम्हारे 8 क्यों है, तुम्हारे 12 क्यों है? 4 साल यहाँ पे। मेरे बालों की वजह से मेरी से मुलाकात हुई थी चिड़ियाघर में, मैं बंदर के पिंजरे के सामने खड़ा हुआ था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए ये किधर था। ये चिड़ियाघर गया बंदर देखने, चिड़ियाघर के मालिक ने कहा तू यही ठहर, बंदर खुद तुझे देखने आ रहा है। ऐसा हुआ था? ये आप बंदरों की बातें, हमें तो पता नहीं। बंदर पलना सपने किया अभी। अरे अब देखिए कराची चिड़ियाघर का शेर परेशान है, जब से हुकूमत आई है लोग चिड़ियाघर आते हैं, मुझे लानत देके चले जाते हैं। क्या बकवास। मतलब इजी टारगेट है ना, कोई भी गाके कुछ भी। अल्लाह मालिक है सर, मैं मौत से डरता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह मालिक है। आप देखे ना, ये एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है। हाँ। और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। ये क्या बात है, सटायर हो गया, बारीक बात है। इसमें क्या मेरा बनता है बाहर जाना? नहीं नहीं बिल्कुल बारी, आपका बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं आपका जेल में जाना, यही रहना बनता है, अंदर जाना बनता है। अच्छा ये बता, सबसे ज्यादा ईदी किसको कितनी कमी मिली है, सबसे ज्यादा ईदी कितने कितनी मिली? अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं, क्योंकि मैं ही घर में बड़ा हूँ, मैं और मेरी अम्मी बस। हमें वाली कितनी मिली है तुमको? अम्मी ने मुझे आज 20 रुपए दिए। अच्छा किसने? अम्मी ने। अरे माशाल्लाह बात है, अम्मी के 20। अरे सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है कभी जिंदगी में, लाइफ में? ईद के अलावा कैसे ईदी मिलती है? बकरीद पे भी देते हैं लोग यार। कोई नहीं देता बकरीद पे। तुम्हारे यहाँ देते होंगे, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं देता बकरीद पे। हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ तो कोई गोश्त नहीं देता। 25-30 क्या 30 रुपए? 30,000 रुपए? तो अमीर आदमी है यार, आज पकड़ लो उसको। कौन दे रहा भाई 30,000 रुपए? ये कौन दे रहा भाई सबसे पहले? लाइफ में वो नींद में थे आप? अरे नींद में नहीं थे। ये कितने दिए भाई इसको 3,000? सारी ईदों का हिसाब जमा करके बता भाई। तो 8 बजे से यहाँ आया, पर ईदी कब दी? आज नहीं मिली मैंने, पहले एडवांस दे दी। अरे बुजुर्ग आदमी, आज नहीं मिली उसको, आज नहीं मिली कभी, बाद में। जी आपको कितनी मिली शहरी? शहरी माइक आपका, ये आपका माइक, ये रहे। ये डिस्को डांसर वाले। ओके अभी कितनी मिली? नहीं कितनी मिली कभी जब मिली? बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में 15,000। ओके ओके नीलम, बहुत है भाई तनख्वाह होती है लोग। 10-12,000 मुझे आपने बाईपास कर दिया, आपको बता देगी। सॉरी सॉरी सर, सॉरी इनको मालूम, सॉरी सर छुपे हुए थे, आई एम रियली सॉरी। आपको बाईपास नहीं किया, आपको अंडरपास किया। सर बताइए सर कितनी मिली? इनको मालूम था कि इनको कभी मिली ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप मेरे वाले आदमी नहीं है, मुझे भी ईदी कभी नहीं मिलती। नहीं आप बताइए कितनी मिली आपको? कभी नहीं मिली, वाकई नहीं मिली। सर माइक माइक बचपन में ईदी दी है, बता बताया कोई एक मानिल माइक प्लीज दे दीजिए। हां 10-12,000 माशाल्लाह। कितने? $500 दैट्स लाइक 50,000 ₹55,000 $55,000 दैट्स नाइस। मगर वो 55 नहीं होते थे ना, कम होते थे उससे थोड़े, डॉलर कम था। अच्छा डॉलर 10 रुपए का डॉलर था उस वक्त। 17-18,000 रुपए जी साहब। आप ईदी जो होती है वो बड़ों का प्यार होता है और वो काउंटलेस होता है। नहीं कितनी मिली मैक्सिमम? होस्टिंग यहाँ करें, यहाँ बैठ के करें। मुझे याद नहीं पड़ रहा क्योंकि काफी अरसा हो गया ईदी में। अच्छा रैम्बो भाई कितनी देते हैं आप? रैम्बो साहब ईदी? रैम्बो भाई कितनी देते हैं? तो दे दे के नहीं, ये मुझे देते हैं ईदी, वो घर के ही खर्चे में चल जाती है, पता नहीं मुझे तो मैनेज किया। मुझे भी याद नहीं, मैं तो 20-25 साल से ईदी दे रहा हूँ, आज भी मैंने इसे दी है पहली ईदी। शुक्रिया। और सिर्फ इन्होंने दिए, इनको ख्याल नहीं आया, कह रहे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा वैसे सारी चीजों का टाइम मिला सुबह 6 बजे से। हमारे माशाल्लाह इतने इतने प्यारे दोस्त हैं दोनों, सऊद और जवेरिया, इनके साथ हमारी जो भी ईद होती है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है, और जो आम दिन होते हैं वो ईद के दिन बन जाते हैं। आपको कितनी मिली? मुझे तो याद ही नहीं कितनी मिली, हम देने वाले हैं। मैं तो भूल जाती हूँ। आप देने वालों में से? हाँ देने वाले। मुझे शो के बाद मिलेगी। हाँ लेकिन लेकिन ईद के 3 दिन बाद का चेक होगा भाई। नहीं नहीं सब आपने तो मेरे सामने कहा था भाई, मैं शो में नहीं बैठूंगा जब तक चेक नहीं आए। नहीं आएगा चेक, अगर आपसे खुल सके तो खुलवा लेना। चेक तो जरूर आएगा, इसमें क्या हो गया, बोले चेक तो दे सकते हैं भाई, जरा चेक करना।
नहीं मैंने किया है, इसीलिए बता रहा हूँ मैंने किया हूँ। अरे एक बात बताइए नीलम, आपने मुझे कभी कोई शुरू कर दिया कहीं से तो शुरू हूँ मैं, कब से बैठा हूँ यार तुम। अच्छा अच्छा एक बात है, एक मिनट तुम इनसे इसको मौका देते हैं, इसको एक मिनट इसको मौका देते हैं, एक मिनट तुम्हारे पास नीलम से जितना रोमांस करना है मतलब डायलॉग्स में, डायलॉग में वो कर लो। हाँ भाई क्लियर कर ले, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ लिखवा ले, उसके बाद नहीं करना सब मिलके मारेंगे, इसे लिखवा ले भाई। ऐसे मौज है आप चल, अबे रोमांस निकलेगा, एक एक पीछे से कॉर्ड दीजिए और सब चुप हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए, इसके माइक में कोई एको शेको जो डालना है वो डाल दो प्लीज। गाना गा ले बस, नहीं प्लीज गाना मत गाना, गाना कर वी हेट योर सॉन्ग, मोहब्बत मोहब्बत जिसमें कोई ना हो, अकेला आदमी अपने दिल की बात सोचो, तुम सोचो अकेले यार, आहिस्ता पीछे चलाए तिया का तन पर आया वे बाबला चला यार, हल्का हल्का नहीं नहीं आई अच्छा। अरे ये तो तालाब के बाद का म्यूजिक है। अरे चुप तो हो जाओ, उसको बोलने तो दो यार, बोलने चलो करीब जाओ ना, इतनी दूर से मुमकिन नहीं है। फूल 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 वहां उधर ले जाओ, उधर सामने ले जाओ, बल्कि निकल जा घर निकल जा यार, आप चुप लोग इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, यहां से जा बस, बहन अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। चले आप बस हो गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता, सारा रोमांस ही मर गया। अरे यार क्या हुआ ये, ये क्या हुआ, तुझे चांस मिला था इतना, ऐसा बेगैरत आशिक भाई कभी नहीं। मुंह की तारीफ। अच्छा बरकत भाई, बरकत भाई मुंह की तारीफ। इसके बस ये हाथ हो गई है, ये हाथ इसका जवाब तक तो पता नहीं क्या हो गया। इसका जवाब, इसका जवाब दिया था गब्बर ने। गई है ये गवर्नमेंट, मुंह की तारीफ नहीं, गवर्नमेंट में गई है गवर्नमेंट। अब चलो एक और चार्ज कर लो, अब बात बेगैरती पे आ गई, अब क्या खत्म। तो तुम देखो वो कह रहे हैं कि तुम हो तो तुम बदल भी सकते हो दोबारा, नहीं उसे भी पता है। रोमांस मर गया सर, नहीं 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 रोमांस नहीं मरा है, तुम बोल के देखो बात खत्म हो गई ना, बाकी नहीं क्या क्या तुम मेरा नंबर अब क्या। अच्छा ऐसा कर लो यार कि वो तुम रिश्ता मांगने गए हो। नहीं नहीं बात खत्म हो गई, टाइम पे बैठे थे यार, खोसा साहब एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, अच्छा चल जाता है, एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, चल जाता है, ये लो एक मौका दे दे। लड़की लड़की वो कह रही है लड़की का बाप नहीं मान रहा, तुम रिश्ता ले ले गए हो। लड़की का बाप नहीं मान रहा? हाँ नहीं, पहले तो मान जाते थे, अब क्यों नहीं मान रहे आप? चलो अब पहले लड़की के बाप को मनाओ। अच्छा अच्छा क्या भाई, मुझे आपकी बेटी दो कपड़ों में चाहिए बस, दो कपड़ों में, बाकी मेरे पास कपड़े हैं मैं अरेंज कर दूंगा सर, मुझे भी ये दिल की बीमारी ना होती है। क्या हुआ, लालच दे रहा लड़की का बाप, लालच दे रहा है गर्मियों में, गर्मियों में चेहरे, ये तो आप लोग बोल रहे हो ना भाई, गर्मियों में चेहरे पर पूछो कि मेरे दिल में लालच दी ना, गर्मियों में चेहरे पर इतनी चिकनाहट आ जाती है, गर्मियों में चेहरे पर इतनी चिकनाहट आ जाती है, अगर कोई लालच भी भेजे तो पिसल जाती है। देखिए बात ये, अबे प्यार की बात करो नेवले की, यार ये आपने क्या, ये कहाँ हो रहा है मेरा रिश्ता, ये घर में ये खाल है। आप कोई बलोची सॉन्ग सुनाकर लड़की के बाप को थोड़ा सा मनाने की कोशिश करें, बलोची गाना गा आप अपना चेक पक्का कर रही है बस, बलोची सॉन्ग यार हमारे, चलो जाओ पहले, अरे लड़की के बाप को पहले मनाओ, लड़की का बाप माना हुआ है, आप लोगों के सामने रिएक्ट कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ये कोशिश करेंगे एक मरतबा फिर लड़की के बाप, मुझे लगता है ब्रेक में करेगा कोशिश, ब्रेक में कोई कोशिश नहीं, ब्रेक के बाद मजीद बेइज्जती देखिए बरकत की। मिलते हैं ब्रेक के बाद, वी डोंट गो अवे विद द राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, मिस्टर सालोडे कैपिंग, अभी नहीं गए, अभी नहीं जाए जाए, प्लीज जाइए, ऐसे बोलते रहेंगे, जाए जाए जाए, ब्रेक ले लें। Thank you.
प्रणाई जी अभी हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनको जाना है, लेकिन पूरे इसको बंद कर दीजिएगा पीछे से म्यूजिक को, पूरे रमजान हमारे साथ रहे हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ ये ट्रांसमिशन की। बहुत सारी तालियों में आपकी फरहान अली वारिस साहब यहाँ मौजूद हैं, इनको आज ट्रैवल करना था, यूएस जाना था, तो आज ये आ गए। बहुत सारी तालियां फरहान के लिए। I'm your big friend, sir. To be very honest. Assalamu alaikum. कैसे फरहान? ईद मुबारक, ईद मुबारक। और साहिर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वरना तो हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं और सच्चा बोलते हैं। नहीं सर, मैं भी। माइक ले लीजिए, माइक दे दीजिए फरहान को। ये माइक, नहीं नहीं, राइट है, राइट है, ये तो वो मिथुन चक्रवर्ती वाला है। हाँ, आई एम डिस्को। आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और साथ साथ ही उन तमाम ही लोगों को जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, और हम सब की जानिब से, साहिर भाई की जानिब से जितने मेहमान बैठे हैं, और टीवी वन की जानिब से, मेरी जानिब से, उन लोगों को भी जो जिनके घर पे ईद नहीं हो पा रही, हम इजहार यकजहती भी करते हैं और ताज़ियत भी पेश करते हैं शहदा के लिए भी जो पारा चिनार में भी हुआ, और इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा में, मक्का मक्का मुकर्रमा में जो इंसिडेंट हुआ, और साथ साथ पारा चिनार में हुआ, और सऊदी अरब में हुआ, बावलपुर में हुआ, अहमदपुर शर्किया में हुआ, सबके लिए हम आपके 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 गम को बांट तो नहीं सकते, लेकिन आपके साथ शरीक रह सकते, जाहिर है जो आपका गम है, लेकिन दुआ है कि आपको अल्लाह सब्र जमीर अता फरमाए, अगली ईद जो आपकी आए वो खुशियों भरी आए, सबके साथ यही, और जो जख्मी उनको अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अच्छा ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं अब साहिर भाई आपकी क्योंकि मोहब्बत थी, आपने बुलाया था साहिर भाई से, क्योंकि पहले कुछ अरसा काम किया था, लेकिन पूरी ट्रांसमिशन इस बार पहली बार मैंने साहिर भाई के साथ की है, और साहिर भाई को एक बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन दोस्त पाया है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए, चूँकि इन्होंने कल हुक्म दिया था। थैंक यू माशाल्लाह, जितने मेहमान इस वक्त बैठे हैं अपना अपनी अपनी, जैसे फूल अपनी अपनी खुशबू रखता है, तमाम मेहमान जितने बैठे हैं सब अपनी अपनी जगह खुशबू रखते हैं, अल्लाह इन सबको तरक्कियाँ अता फरमाए। और क्योंकि साहिर भाई का हुक्म ये था कि मैं तो, क्योंकि बड़े भाई हैं, हुक्म था कि ईद अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो आप आइएगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी इसलिए मैं बस आपके पास आया हूँ, और मुझे खुशी हुई कि आप सबके साथ मिलकर मैंने थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। कहाँ जा रहे हैं आप? अब मुझे, क्योंकि यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की तरफ से एक इवेंट है वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ पर दुनिया भर से मुख्तलिफ ऑरेटर्स रिसाइटर्स आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान से मैं नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। माशाल्लाह, कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान को, बहुत सारी ताले में रुख्सत कीजिए। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कम है तालियां, तालियां जरा ज्यादा होनी चाहिए, ये क्या है? और ये सारी ट्रांसमिशन जो है ये फरहान की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड हैव अ सेफ फ्लाइट फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान को अपनी तालियों में रुख्सत कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। बस फ्लाइट जो है वो पी आई ए की ना हो बस। क्या मतलब है इसका? नहीं मतलब लेट, तो हालात ऐसे हो गए ना, ऊपर से जहाज गुजरा एक साइड पे हो जाओ, हो सकता है पीआईए का हो। नहीं नहीं, ये मेरी बात सुनिए, शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी कर लेते हैं। अच्छा नहीं, ये क्या मतलब है पीआईए की फ्लाइट ना हो तो? पीआईए की फ्लाइट से क्या ताल्लुक है इसका? अरे छोड़े आप इस बात को यार, आपका वो रह गया था ब्रेक से पहले यार, ब्रेक में उसने बहुत कोशिश की, आप उधर चले गए थे। अच्छा अब दोबारा दोबारा स्टार्ट किया, आप भूल गए फिर क्यों याद दिला रहे हो? भाई एक मैच का रिश्ता करा के जाऊंगा, बेफिक्र। अब्बा नहीं मान रहा, अब्बा नहीं मान रहा, बात सुने, कत्ल हो जाओगे, कत्ल हो जाओगे। शेरी का माइक है, शेरी को दे दो। अच्छा शेरी आपका माइक, आप भी हिस्सा ले सकते हैं इस कन्वर्सेशन में। अच्छा लड़की का बाप नहीं मान रहा है वो, वही बात के लिए इस तरफ नहीं आना, ऐसे चले जाना। अच्छा शेरी खड़े, अब मुझे शेरी जो कौन है, बीवी इनकी, किसकी? इनकी जो बाप की, वो पता नहीं उन्होंने जहन क्या बनाया हुआ, लेकिन अभी तो गेस्ट है, लड़की की बहन है। अच्छा आपने मुझे कभी उनसे नहीं बात करी? हाँ प्लीज, या पीछे पीछे। अच्छा कह रही डायरेक्ट उनसे बात करें, ये क्या बात हुई भाई? वो ब्रॉड माइंडेड ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा ये बताइए आपने मुझे कभी कोई लोन दिया है? मैं आपको पहचानती हूं। नहीं पता नहीं क्यों आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।
भाई वो लड़की वो बैठी उधर मुंह करके भाई देखिए बात सीधी सी बात है, हर मम्मी का सपना होता है कि उसकी बेटी को स्मार्ट हैंडसम और क्यूट और इंटेलिजेंट लड़का मिले। अब आप ही बताइए मैं अकेला मासूम किस किस की मम्मी का सपना पूरा करूंगा। क्या तो करो है? आप करें तो शुरुआत तो करें भाई। देखिए मुझे भी ये दिल की बीमारी ना होती अगर आप इतनी प्यारी ना होती। हाय हाय अबे कोई ढंग के डायलॉग बोल ले यार। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूं। अच्छा आप तो एंड में क्या होगा? अब क्या होगा? आप साहिर भाई बोलेंगे डायलॉग। चलो भाई अब लो आ जाओ भाई। नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा क्योंकि ये बगैर स्क्रिप्ट के बोलते हैं और हम स्क्रिप्ट के बोलते हैं। बगैर स्क्रिप्ट के तो बच्चा भी बोलता। ये बट नहीं भाई क्यों हो जाएगा? बगैर स्क्रिप्ट क्यों हो जाएगा? नहीं 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 तालियां दीवाने वाली साहिर लोगी। अबे चल बैठ जा दीवाने वाली साहिर लोगी। एक दम और अनाउंसमेंट लेकिन जन्म दे वन एंड ओनली साहिर लोगी। आप बोलेंगे क्या बोलता है मेरी समझ में आखिर में सिर्फ मेरा नाम समझ में आता है तो सच में दोबारा बोलेंगे। This is one and only Sahil Lodi। ये कह रहा है। This is one and only। मेरा ब्रिटिश एक्सेंट है ना ब्रिटिश एक्सेंट। कौन सा एक्सेंट है? ब्रिटिश। मैं लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं मैं ऑकवर्ड में पढ़ा हूँ। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। आई लव एजुकेशन विदाउट एग्जामिनेशन बस। जिस तरह तुम अनाउंस करते हो ऐसा लगता है उल्टी करने वाली। हाँ जैसे अरबी बोलते हैं ना अलग से। चलें सर अब क्या सेगमेंट है जरा बताएंगे। नहीं सेगमेंट वो ही सेगमेंट है जो रह गया था ब्रेक से पहले। नहीं नहीं अब हो गया यार। अब तो तुम्हारे इंटरेस्ट ही नहीं पता नहीं क्या जाके वहां बोल रहे हो वो क्या, क्या, क्या? जब से एक्शन दे रही है कभी यूं कर रही है कभी बाल यूं कर रही है वो जा ही नहीं रहा। इतना तो कोई मरीज भी नहीं करता जितना परहेज ये मुझसे कर रही है। जवाब नहीं देंगी और उसमें उस भी बराबर का शरीक। नहीं नहीं मैम। अच्छा साहिर भाई इस बात को छोड़िए आप अपने ईद पर जोक्स किए आज ना डांस किया बस मुझ पे तीर चला रहे। अरे कौन सा तीर आपने सुना नहीं बोला कि वो कब से अदाए दिखा रही है मगर बरकत नहीं आ रही कितनी तो बरकत जाओ ना यार अब भी तुम नहीं समझ रहे। कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं और रीमा को गुस्सा मीरा को गुस्सा बहन बोल चुका है बात खत्म हो गई बस बात खत्म। नहीं बात तो अब शुरू हुई है दोबारा ब्रेक ले यार। अच्छा एक मिनट बरकत भाई। अच्छा मैं शो का मेहमान है खुसूसी हर बात बरकत भाई। बरकत भाई ईमान से आपके मुंह की तारीफ नहीं बड़ा बेबरकता मुंह है आपका। मैं जाते हुए आपको पार्सल कर दूंगा मैनेज कर लीजिएगा हस्बैंड के साथ। इनके मुंह के साथ रख दीजिएगा। बरकत वाले हैं मेरे क्या हो गया। अच्छा हैंड कैरी करिएगा लगेज में दब जाता मतलब ये क्या बात दवा है पहले से दवा है इनको क्यों आप मतलब मैं इनके साथ इनका भाई हूं ना मैं। यार मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं नहीं उनको जवाब दो इंसान है मुझे जवाब नहीं भाभी को जवाब नहीं देते हम लोग भाभी को जवाब नहीं देते करता ना बेचारा। अच्छा जी आप लोगों ने इन्ना दिलपजीर साहबों को कैसे हाँ सीरियसली आप बिल्कुल ही ये क्यों आए उनका बैठना ही कयामत है। वाह 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 मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं आप लोगों की बातें। इन्ना आपा के साथ हमने अमेरिका में शो किया यकीन कीजिए जितनी अच्छी आर्टिस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ इतनी अच्छी इंसान है ये क्योंकि सफर में इंसान का पता चलता है। वाह वाह पापा आई लव यू बहुत शुक्रिया और अल्लाह नहीं और आपको तो इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत है। बड़ी बात है ये जब भी कोई शो में आई है ऑफ कोर्स मतलब तुम्हारे होते में तो हम नहीं आ रहे थे लेकिन फिर हमें पता चला कि यार बाकी लोग भी आएंगे तो हम लोग भी आ गए। अच्छा साहिर भाई प्लीज वो बात अधूरी रह गई भाई आप छोड़े आप कौन है छोड़ दो यार पहले चले अच्छा रिश्ता करा बात होने लगी ये बात बहुत ड्रैग हो गई है। आप जवेरिया से शुरू करें ना जी बता रही थी ईदी कितनी जी अरे हां अरे यार वो तो गुजर गई गुजर गई बात यार गुजर गई साहिर ने बताया नहीं साहिर हां इतनी सिंगर बैठी हूं सुंदर से कुछ सुन इनसे कुछ सुन हां जी सुंदर क्या सुनाएंगे बस आपकी आवाज हमारे कानों तक ना आए बस चल वहां से मैं अच्छे चेहरे देखकर अच्छा गाती हूँ अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं तो मैं चाहूंगी नहीं भाई इन्होंने भी ना देखूं इन्होंने बस अच्छा इन्होंने भी आपको मना कर दिया इन्होंने लता जी को टक्कर दी लता जी को टक्कर दी है अपनी गाड़ी से बरकत भाई शायर शायर इनसे बात होने लगी थी फिर रुक गई जी हाँ एक मिनट आप बात तो करें। अच्छा आप गाती भी हैं आपा गाती भी हैं आप गाती हैं और अच्छा गाती हैं तो प्लीज सुंदर साहब सुंदर आपा के साथ कोई मैनेज कर लो ना आपा पहले आप हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार
आप गाएं। ये वाला नहीं आता। कोई आप अपना गाएं। कोई और सा। आप अपना गाएं। जे मैं होंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी रेंदी गल ना लग के तेरे सावन दे नेड़े नेड़े रेंदी गल ना लग के तेरे सावन दे नेड़े जितने लोग हैं वो लोग भी आ जाइए जी, बाकी तमाम उधर उधर से लोगों को सलमान, बाकी तमाम लोगों को भी बुला लीजिए, भाई साहब को बुला लें, बाकी लोगों को बुला लें, सबको, एवरीवन शुड कम, एवरीवन शुड कम। ये वो टीम है, असल में होता ये है कि नॉर्मली आई गेट ऑल द क्रेडिट, और जो होती है बात तो ये होती है कि थोड़ा सा ये फ़ोन वोन बंद कर दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा ये होता है कि तमाम लोग ये कहते हैं, भाई को ज़रा जगह दें, काशान को जगह दें, आईटी की टीम जितनी भी है, ये सारे के सारे जितने लोग हैं सारे, एवरीवन शुड कम। ये असल में होता ये है कि एंड में क्रेडिट जो होता है वो इस बात का होता है कि चेहरा किसका नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। एक तरफ मैनेजमेंट होती है टेलीविज़न की, जो बहुत सारी जान जोखिम में डाल के पैसों को इकट्ठा करके इतनी बहुत सारी चीज़ें लगाती है, और दूसरी तरफ इधर इधर आ जाएँ जुनेद, आप भी इधर आ जाएँ, इधर एवरीवन एवरीवन, कोई रह गया तो वो भी आ जाए, एवरी सिंगल पर्सन, आई वांट सब सब लोग स्टेज पर आ जाए। See, the thing is, this is the team. This is the whole team. जो आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाएं।
दिस इज द होल टीम जो इसको सलमान साहब आप यहाँ कहाँ हैं जैदी साहब उधर आइए उधर आइए उधर आइए उधर आइए उधर आइए उधर आइए जैदी साहब उधर आइए ये हमारे कैमरामैन हैं मैं कैमरामैन के पास भी जा रहा हूँ आपको नजर आ जाएगा और कुछ लोग हैं जो हमारे पीसीआर के अंदर हैं और लुक एट दिस दीज आर द कैमरामैन जिनके साथ हम लोग मिलकर दिन और रात काम करते हैं और ये वो लोग हैं हमारे सेट के लोग हमारी लाइटिंग के लोग यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ये उमेर हैं जिन्होंने 30 डेज दिन और रात हमारे लिए काम किया है एंड ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब थैंक यू उमेर बहुत बहुत शुक्रिया ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा बेतहाशा काम किया है तो एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि सारे लोग मिलके ये कहते हैं कि साहिर ने बहुत अच्छी ट्रांसमिशन की विच इज़ एन एब्सोल्यूट रॉन्ग स्टेटमेंट इट्स नॉट अ स्टेटमेंट टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज आई एम नथिंग विदाउट माई टीम दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल प्राइमरली टू डू दिस जॉब डे इन डे आउट आई गेट टू सी देम एवरी सिंगल मॉर्निंग व्हेन आई कम टू वर्क एंड आई गेट टू सी देम व्हेन आई लीव दिस वर्क प्लेस सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मिलके मैं काम करता हूँ ये ट्रांसमिशन पिछले काफ़ी सालों से आप तक पहुँचा रहा हूँ मेरे मॉर्निंग शोज ये करते हैं वी आर स्टार्टिंग आर लेट नाइट शो मैडी यू गानिया एवरी वन गो देर प्लीज नो वन शुड बी आप भी सर जाइए एवरी वन शुड बी देर और हम लोग अपना लेट नाइट शो भी शुरू कर रहे हैं तो आई थिंक ये एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है कि इतनी पूरी टीम ये दे आर रेडी ऑन माई बैक एंड कॉल और ये मुझसे पहले आते हैं शो पे और मेरे बाद शो से जाते हैं तो असल सारा क्रेडिट जो है वो इन सब लोगों का है इनके लिए बहुत सारी तालियां एंड इस पूरी टीम को लीड करते हैं आमिर लोधी साहब सर आप यहाँ पर आ जाइए इनके लिए बहुत सारी तालियां आमिर लोधी साहब के लिए बहुत सारी तालियां ये लीड करते हैं इस टीम को जुनेद हमारे कंटेंट में होते हैं जुनेद कम फॉरवर्ड जुनेद हमारे कंटेंट में होते हैं सलमान यू ऑल्सो कम फॉरवर्ड रामेश शानी जो हमारी कोर टीम है प्लीज वो आ जाए जी 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 रईस भाई किधर है फराज रईस भाई ये सब लोग आ जाए इधर आगे आ जाए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल जैसे उरूज हैं सलमा हैं ऑफकोर्स ये हमारी अक्सा सना अलमास सलमान अहमद अहमर उमेर क्या नाम है साबरी ऑल द सब जमशेद नवीद एंड देन ऑफकोर्स वली एंड वजी ये वो लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा काम किया है दिन और रात काम किया है और इन लोगों ने ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई है दिस इज़ नॉट माय ट्रांसमिशन दिस इज़ आवर ट्रांसमिशन दिस इज़ TV1 दिस इज़ हु वी आर एज अ टीम तो ये जो क्रेडिट है ये सारा का सारा इन लोगों का है इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद मी आई कम हेयर आई डोंट यूज़ स्क्रिप्ट मैं बगैर लिखा हुआ बोलता हूँ तो मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं होते जो क्रेडिट ले सकें ये जो कुछ भी है ये इस टीम का क्रेडिट होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आके ये सब अरेंज करते हैं दीज आर द पीपल एंड इससे चार गुना ज़्यादा लोग जो हैं बाहर PCR में हैं और वहाँ बैठ के काम करते हैं अबाउट 400 पीपल 400 लोगों ने इस ट्रांसमिशन के लिए काम किया है आई हम्बली थैंक ऑल ऑफ देम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये काम किया और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई थैंक यू और अब एक बात मैं करना चाहता हूँ इस हवाले से ये म्यूज़िक बंद कर दीजिए प्लीज़ इस रमज़ान ने बहुत कुछ सिखाया हमें हमेशा हर रमज़ान हम सीखते हैं वैसे तो हर दिन ही सीखते हैं पर रमज़ान ऐसा होता है जब इबादत जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए हैं द पीपल हु नो मी वेरी क्लोजली अव्वल तो कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो मुझे जानता है सिवाय मेरे रब के मैं खुद भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को जानता हूँ लेकिन वो लोग जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देर आर टू पीपल हु लिव वन विच इज साहिर लोधी विच इज इन फ्रंट ऑफ यू और दूसरा साहिर है जिसे आप में से कोई भी नहीं जानता ना मैं इस बात का इख्तियार किसी को देता हूँ और ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई उसको जाने बट देन देर आर टाइम्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं पारा चनार का एक्सीडेंट हुआ आपने देख लिया क्या हुआ आपने बाकी जगह देखा क्या हुआ क्वेटा के अंदर देखा क्या हुआ देन समथिंग हैपेंड यस्टरडे अहमदपुर शर्किया में भावलपुर के पास वो लोग अपनी बॉटल्स के अंदर मट्टी का तेल जमा करने पहुंचे थे ओवर 141 डेथ्स 141 लोग तो नो मैटर व्हाट वी डू चाहे हम यहाँ म्यूजिक पे और यस ये मैं आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन ये तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूँ एक एक आदमी के लिए ये इन सब की जबान है ये सलमा भी कहती हैं साहिबा भी सोचती हैं अफजल भाई भी सोचते हैं हिना भी सोचती हैं सऊद भी सोचते हैं जवेरिया भी सोचती हैं बरकत उसमें भी सोचते हैं शहरी भी सोचती हैं नीलम भी सोचती हैं अयूब भाई भी सोचते हैं सुंदस भी सोचती हैं एवरी वन ऑफ अस जो यहाँ है वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है
एंड दैट इज कि हमारे मुल्क में ये इंसिडेंट्स होना कब खत्म होंगे। कल एक लापरवाही की वजह से, एक सिगरेट के सुलगाने की वजह से इतनी बहुत सारी अमवात हुई हैं। हम पाकिस्तान में इस गम में उनके बराबर के शरीक हैं। ये और बात है कि जाहिर है शोज गो ऑन, दे डू, लाइफ गोज ऑन, इट डज, बट एट द एंड ऑफ द डे इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई लुक एट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कल इसको जो बड़ा होना है तो इसका पाकिस्तान कैसा होगा। मुझसे बेहतर होना चाहिए, हमसे बेहतर होना चाहिए, और इसे कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह, एज लॉन्ग एज वी कीप वर्किंग टुगेदर। देयर इज समथिंग, अगर आप लोग सब लोग खड़े हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक आवाज़ में पाकिस्तान के लिए कर लें, पाकिस्तान के लिए गाना कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ सॉन्ग दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये हमारी ट्रांसमिशन का, इस ट्रांसमिशन का यूनियन क्लब का आखिरी सॉन्ग है। जिसके पास भी माइक है वो गा सकते हैं, आप भी ले लीजिए। एवरीवन, पाकिस्तान को हमेशा याद रखिए, पुट पाकिस्तान फर्स्ट। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत ईद मुबारक। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नफरतों के दर बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना।